तुषार अपना ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल गिटार गाणी में मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर एक नया लेसन लेके। दोस्तों प्यार किया तो डरना क्या मूवी का नाम है और गाया है द ग्रेट उदित नारायण जी ने। दोस्तों कॉर्ड्स एकदम आसान से, स्ट्रमिंग पैटर्न भी आसान सा है, लेकिन गाना थोड़ा स्पीड से और स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा सा स्पीड से, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, जी माइनर पे गाना है तो आसान करने के लिए हम लोग केपो लगाते हैं फ्रेट नंबर 3 पे। अब फ्रेट नंबर 3 पे केपो लगाने के बाद एकदम बेसिक बिगिनर के जो गिटारिस्ट के कॉर्ड रहते हैं, जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर, ए माइनर और डी मेजर, ये 5 कॉर्ड जो बिगिनर के हैं। ओके, स्ट्रमिंग पैटर्न देखते हैं। दोस्तों सी मेजर में पकड़ता हूं, स्ट्रमिंग पैटर्न आसान सा है, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ये स्ट्रमिंग पैटर्न है। मैं म्यूट करके दिखाऊं आपको, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ये स्ट्रमिंग पैटर्न थ्रू आउट सॉन्ग है। सिर्फ 121 22 25 बीपीएम के जरा स्पीड से डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप। ये स्पीड से है दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ आप कॉर्ड समझ गए, स्ट्रमिंग पैटर्न समझ गए। बाकी बारीकियाँ तो कुछ कॉर्ड्स में ऐसा ट्रिकी पार्ट तो कुछ भी है नहीं। मुकड़ा जो है दीवाना में चला, सीधा सीधा ई माइनर, कॉर्ड्स कैसे ट्रैवल करते एक सेकंड में आपको मैं बताता हूँ। ई माइनर से लेके सी मेजर से लेके एफ मेजर से लेके जी मेजर, ये दीवाना में चला, ये गाने का मुखड़ा जो है ये 4 कॉर्ड्स में कवर होता है। अब जब बात आती है अंतरे की, जो हमिंग है वो भी यही सेम कॉर्ड्स पे, यही सीक्वेंस है, ई माइनर, सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर। और जब बात आती है अंतरे की, तो अंतरे में ई माइनर से लेके ट्रैवल होता है सी मेजर और फिर ए माइनर और उसके बाद में डी मेजर, बस ये 4 ही कॉर्ड्स है अंतरे में। ओके, तो यही आसान सा एक गाना हम लोग करते हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं ई माइनर से केपो लगाने के बाद में, और पहला जो हमिंग है वो भी बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल है, तो आप ज़रूर कोशिश करना दोस्तों। ओके, चलो शुरू करते हैं ई माइनर। थोड़ा सा मैं स्लो करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा स्लो जब मैं करूँगा तो आप भी कुछ बारीकियाँ देख सकते और कुछ गलतियाँ रहेगी तो भी आप अपना रेक्टिफाई करके सुधार सकते। तो चलो शुरू करते, लेकिन आप नए हैं पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो किसी भी हाल में गिटार लवर है, गिटार सीखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट ऑल के साथ में, ताकि कोई कॉर्ड्स मुझे याद आए मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगा। ओके, चलो शुरू करते ई माइनर से।
जाने दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर जरूर करना, लाइक भी करना और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते ऐसे ही अच्छे से लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।